कुएं से पानी लेने गई हो क्या? अरे आ तो रही हूँ, पियो पानी। सादा पानी लाने के लिए कहा था, तुम ये जलजीरा क्यों बना लाई? जलजीरा नहीं है, पानी गंदा आ रहा है सप्लाई का। अब ये गंदा पानी पीऊँ मैं? तो कितनी बार तुम्हें मैंने बोला कि आरओ लगवा लो, आरओ लगवा लो, अब कहाँ से लाऊं साफ पानी? अब आरओ का खर्चा अलग से। मैम वो आरओ मंगवाया था आपने? हाँ हाँ ले है। हाँ जी हाँ जी। अब ये मालती के घर से रोज रोज पानी लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कितने का है? 6000 रुपए का सर। 20 लीटर की बोतल देने रोज गली में आता है, उससे पानी नहीं लगवा सकती तुम? उनकी पानी की क्वालिटी में और हमारे आरओ के पानी की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है सर। तेरा आरओ हिमालय पर्वत का पानी देगा क्या? हमारे आरओ का पानी है ना, उसमें मिनरल्स ज्यादा है। और बाकियों में? अरे तुम चुप रहोगे 2 मिनट? अब बोलते बहुत है, चुप ही नहीं होते। ये लीजिए आपके 6000 रुपए। देख क्या रहे हो मुझे, तुम्हारी अलमारी से ही निकाले। 1630 रुपए कम है मैडम इसमें। क्यों? अभी तो तुमने कहा था आरओ 6000 का है। लेकिन 18% GST जो होती है ये तकरीबन हो गई 1080 रुपए, और 550 रुपए इंस्टॉलेशन के, तो 7630 रुपए हो गए सर। ये सब पहले पता नहीं किया था तुमने? पहले पता किया होता तो बुलाते ही क्यों? देखो भैया अब तुम ठीक ठीक लगा लो, पैसे लो और जाओ। देखिए मैडम मैं मंडी में सब्जी बेचने तो बैठा नहीं हूँ कि कम ज्यादा कर लूंगा। अच्छा भैया ये लो 200 रुपए और। अरे तुम क्या ऐसे घूर रहे हो, ये वही पैसे हैं जो सोम बाजार में बचे थे, लीजिए भैया। मैडम सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, आप खुद ही सोचिए, GST जो है वो हमारी कंपनी तो रखने लेगी। तो आप मत देना ना GST। अरे कंपनी बंद करवाओगी क्या उसकी? ये पकड़ो 500 और। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, ये वही 500 है जो मम्मी ने दिए थे। मुझे देना भूल जाती है तुम्हारी मम्मी। अब क्या बुढ़ापे तक पैसे ही लेते रहोगे? नाना करते भी 10 से 15 लाख रुपए ले चुके हो मेरे मायके से। अरे जाओ। हाँ हाँ जाना तो सभी को ही है। अरे भैया लगा दो ना। मैडम आप एक काम करो कंपनी में बात कर लो। ऐसा करो रहने दो, बाद में लग जाएगा आरओ। क्यों बाद में क्यों लगेगा, तब तक क्या ये गोलगप्पे वाला पानी पियोगे? एक आध हफ्ते में पानी ठीक हो जाएगा, और जब तक ठीक नहीं होता मैं मालती के घर से ले आया करूंगा पानी। कोई जरूरत नहीं है मालती के घर से पानी लाने की। भैया ये पकड़ो 200 रुपए और। ये कौन सा बाजार में बचाए थे तुमने? अरे बाजार में नहीं बचे थे, चाय पत्ती में इनाम निकला था 250 का, 50 की टिक्की खाली और ये रहे 200 रुपए बचे हुए। लेकिन मैडम मैं नहीं कर पाऊंगा, डिस्काउंट करना मेरे हाथ में नहीं है। अरे कुछ तो होगा तेरे हाथ में। मैं नहीं कर पाऊंगा सॉरी। और दिन तो पटर पटर बोलते रहते हो, आज क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या, बोल क्यों नहीं रहे कुछ? क्या बोलूं? अरे पैसे छुड़वाओ ना। मैंने बुलाया है क्या इसे जो मैं पैसे छुड़वाऊं? ठीक है तो भैया ये पकड़ो 100 रुपए और। ये पैसे? अरे शांत हो जाओ ना, बता दूंगी कहां से कैसे आए पैसे, पहले काम तो हो जाए। नहीं हो पाएगा मैडम। इतने में भी नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। खड़े हो जाओ। है? मैंने कहा खड़े हो जाओ, और इतनी तेज यहां से भागना कि अगर मैं बाहर निकलूं तो मुझे तुम दिखाई ना दो। अगर ऐसे पैसे देने थे तो किस्तों पे ले लेते ना, कैश में लेने के लिए किसने बोला था तुम्हें? आरओ लगवाएंगे। पड़ गई ठंडक, मिल गई खुशी। सुबह सुबह दफ्तर जाने के टाइम पे क्या क्या सुना गया वो? क्या सुना गया है? और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी तो अपनी जेब से पैसे क्यों नहीं निकाले, ऐसे भूत बन के बैठ गए जैसे कुछ जानते ही ना हो। लेकिन सुन लो मैं भी बहुत ढीठ हूँ, आरओ लगेगा तो आरओ लगेगा, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारी जेब ही क्यों ना काटनी पड़े। अरे नाक मत सिकोड़ो, गंदा पानी नहीं है जलजीरा है ये। वो क्या है ना, जब तक तुमसे नाटक ना करो ना तब तक तुम्हारे कुछ समझ ही नहीं आता है। जा रही हूँ मैं। रामेबाज।